ये कहते हैं किसान की आय दुगनी करेंगे। आज किसान की आय 2700 रुपये प्रति किसान है, शर्म की बात है। अगर ये किसान कल से अपनी फसलें नहीं देगा, फल नहीं देगा, दूध नहीं देगा, तो ये जनता में हाहाकार मचा आएगा। जो न्यूनतम मूल्य है वो उसको मांगने का हक रखता है। पूरे हिंदुस्तान का किसान अपना मांग रख रहा है और उन्होंने कहा है कि हमारी जितनी फसलें होती हैं, चाहे वो रबी की हो चाहे वो खरीफ की हो, उन फसलों का हमको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए। ये किसानों के लिए जो फसल बीमा आई है, ये उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। किसान यूपी में बता दे कि आज तक 1000 किसान को भी इस फसल बीमा का कोई फायदा मिला हो। किसान जब पंजाब बॉर्डर से हरियाणा बॉर्डर आए, वहाँ पर भारत सरकार ने कीला गाड़ दी, पूरे रोडों को जाम कर दिया सीमेंटेड लगा के, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बाहर के मुझे पाकिस्तान से लड़ाई चल रही हो। कांग्रेस के जमाने में किसानों को सरकार ने हमेशा मंडियों में आदेश किए कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम बोली नहीं लगनी चाहिए। वो बोलियां लगाई जाती थी और ये कह दिया जाता था मंडी सचिव से कि किसान को उसका हक मिलना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि जब भी हमारी सरकार आएगी, हम समर्थन मूल्य न्यूनतम हर फसल का सरकार किसानों को देगी, देते हैं, देते रहेंगे।